जोसेफ प्राउस्ट। रेशो देखें तो क्या रेशो आएगा बताइए? इट इज द डेफिनेट प्रोपोर्शन तो मास ऑफ एच अपॉन मास ऑफ ओ कितना आ गया बताओ? 2/16 तो ये कितना आया? 1/18 चलो 1/8 आया कि नहीं? तो अब आप आगे की टेबल पे आ जाइए। क्या आपने पेज नंबर 36 खोला हुआ है? टेबल नंबर 4 बोलो। यस सर। पेज 36 और टेबल नंबर 3.4 बोल लिया? यस यस बोल लिया। और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या मास दिया है? रेशो निकालो। 1:8 चेक किया? इधर हमें बीच में आया सही है। ओके तो इतनी बात हो गई। आपको गर्मी लगे तो आप इधर आ सकते हैं, ठीक है? चलो इतनी बात समझ आ गई। 1:8 है। बुक कहाँ है आपकी? बुक निकालो। अच्छा अब अगला देखो, अमोनिया जानते हो क्या होता है? बोलो क्या फार्मूला है? जो वॉशरूम में स्मेल आती है वो अमोनिया की आती है, जो पंजेंट की स्मेल अच्छी स्मेल नहीं आती है। तो ये वाटर है, ये मैंने किसको लिया बताओ? वाटर और अमोनिया में क्या होगा? एक सही बता रहे हो। एनीमिया नहीं, अमोनिया। समझ आएगा? NH3। तो NH3 में N का मास कितना है? One N atom और 3 H atom। तो बताओ 1 N का कितना मास है? अभी बताया 14 U और 3 H का कितना हुआ? 1 U into 3 तो 14 U और किस 2 3 U। बोलो सही है? बोलो। Yes sir। तो बताओ इस केस में इन अमोनिया मास ऑफ एन, ठीक है, जैसा भी पहले मास अगर आप एच का पहले लिखते तो हम भी एच का लिखेंगे, जैसा भी पहले मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? कार्तिक बोलो। तो ये क्या 14:3 रेशो होगा? चाहे कहीं की भी अमोनिया हो, दुनिया की कहीं की भी अमोनिया हो, यही रेशो होगा। क्योंकि फार्मूला क्या होता है अमोनिया का? NH3। वाटर कहीं का भी हो उसका फार्मूला क्या कभी H3O हुआ है? दो ही H होते हैं और एक O होता है। तो इस तरीके से ये फिक्स्ड है। ये क्या लिखा है? नहीं, वॉशरूम में एक स्मेल सी आती है जो यूरिया की है ना, अगर धोया ना जाए तो स्मेल आती है कि नहीं? तो वो जो यूरिया से निकलती है, हम लोग का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है जो यूरिन से निकलता है, वो स्मेल, वो दैट इज अमोनिया विच इज वेरी पंजेंट। और फेंटिंग अगर बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, ये देखो। तो अब फिर से पढ़ो, इन ए केमिकल सब्सटेंस
इन ए केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स का ये एच और ओ एलिमेंट है, क्या ये एलिमेंट का चार्ट है? जरा सबसे ऊपर पढ़ो। यस सर। क्या लिखा है ऊपर? एलिमेंट लिखा है। सो एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, कैसे प्रेजेंट है? इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो एच और ओ का क्या रेशो है? 1:8 है। यस सर। फिक्स्ड प्रोपोर्शन भाई मां सब इसी चीज को रिपीट करो। कुछ कमी रहेगी बोलो। पूरा कमी रहेगी बोलो। बाय मास फिक्स रेशो, आप एटम का भी फिक्स रेशो कह सकते हो कि 2H के और 1 O के, लेकिन उन्होंने मास के लिए बोला। एटम का भी फिक्स रेशो है, जैसे आप कह रहे हो फिक्स रेशो, तो 2 अगर बाई पार्टिकल देखोगे तो 2:1 है, और बाई मास देखोगे तो 1:8 है। बात की नहीं? आप देखो, अब देखिए एनएससी में बात हो गई कि हाउ दौर मत कर दो चिंता दो। अब 14 यू एच करो, 3H है, 1H का मास कितना? समझ नहीं? चेक कर लो और आगे बैठो बेटा, यहाँ बैठो। तो ये N है और इसमें क्या लगे हैं? 3 बोलो। वो तो N के अंदर होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन 7, लेकिन N एटम है ना, एटम में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं कि नहीं, और उसमें H भी है। तो ये है इसका, इसको स्ट्रक्चर ये। तो 3U समझ में आ गया क्यों हुआ? N एक N के साथ 3H लगते हैं तो अमोनिया बनता है। बोलो पहला एलिमेंट तो अच्छी एंड 15th ग्रुप में पहला एलिमेंट है। ये पूरा एलिमेंट का ही तो चार्ट है। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 119। अब 119 भी हो गए होंगे, लेकिन अभी तक 118 स्टेबल है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स निकालो, समझ में आई बात? तो ये सब एलिमेंट है ना, सब में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नाइट्रोजन एलिमेंट है सब, हाँ आ जाइए, सभी एलिमेंट है बोलो सर, जो भी है ना जिसमें अलग अलग प्रोटॉन, एक प्रोटॉन से लेके 118 प्रोटॉन तक लगातार एलिमेंट में है। अब क्या जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे? यस सर। क्या सही है? तभी तो न्यूट्रल होगा। जरा सोचो, 7th नंबर का नाइट्रोजन है, ऊपर लिखा किनारे में बिल्कुल 7 छोटा सा, एन है, सो दैट इज एन, एन को नाइट्रोजन बोलते हैं कि नहीं? तो 7th नंबर का एलिमेंट नाइट्रोजन है, तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? दैट इट विल कंटेन 7 प्रोटॉन। ओके, 7 जितने इलेक्ट्रॉन। और अगर लास्ट वाला यू यू ओ देखो, बिल्कुल लास्ट, तो उसमें 118 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कितने ही एलिमेंट है। क्या आपकी जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो 26 हैं, और उससे ऑक्सफोर्ड कितनी मोटी डिक्शनरी बन जाती है? तो इतने एलिमेंट से मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बन जाते हैं, उसके इधर उधर करने से, है ना। अच्छा, अब एक और बात बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड CaO में बाई मास रेशो क्या है बताइए? इन CaO तो बताइए मास ऑफ कैल्शियम क्या होगा? और जब 40 हुआ, और मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 40U और 16U, तो अगर 8 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? सर ऑक्सीजन 16+ चेक कर लो, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन और 2 शेल्स में क्या होंगे? क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो 8 प्रोटॉन, तो जो जिनकी वजह से मास है वो क्या होते हैं? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं। तो 16 हुआ कि नहीं? और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए,
वो डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको इसका पिक्चर देखना है कि वास्तव में कैसा है, ऑक्सीजन तो आप आगे के पेज पर चले आओ, पेज नंबर 50 निकालो, निकाला क्या वहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है? बोलो पेज नंबर 50, पेज 50 में ऑक्सीजन दिखा? पेज 50 में जो ऑक्सीजन है सो दैट इज उसमें दिखाया गया कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात समझ आ गई ना आपको, तो दिस इज मास ऑफ कैल्शियम, तो क्या रेशियो हुआ बताओ, 8:5:40 और 8:2:5, तो 5:2 चेक करो उसमें, इज इट सेम? बोलो कैल्शियम और चला वहां पीछे आ जाओ फिर से टेबल पे, तो जो रेशो मैंने बताया क्या ये वही रेशो है? कितनी बार समझा रहे? अब आगे की बात करते हैं कि नाउ नेक्स्ट रेशो निकालेंगे, अब देखिए periodic table elements with pictures. So, अब देखिए कि कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स है, लेट अस सी, तो शुरू से देखो, पहले हाइड्रोजन, हीलियम गैस है, लिथियम कट जाता है चाकू से काटने पर, लाइन से आ रहा है वहां देखो, लाइन से बोरॉन 5 नंबर आ गया, 5 जो वहां है वो यहाँ, छुड़ाते हो दीपावली में, एल्यूमिनियम
पर प्याज लहसुन में मिलता है, क्लोरीन येलो गैस है, कार्बन भी गैस है। ज्यादातर एलिमेंट सिल्वर और ग्रे कलर के हैं, ओके? तो टाइटेनियम, टाइटेनिक इसी जहाज, इसी के नाम पे टाइटेनिक जहाज बना था जो टूट गया, हार्ड होता है, बहुत शाइनी होता है, लस्टर इसका खराब नहीं होता। गैलियम हाथ में लेने पर मेल्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये हमने कुछ इनिशियल एलिमेंट्स आपको दिखाए हैं। अब हम आगे की बात करते हैं कि नाउ ये तो हम लोगों ने देख लिए कि क्या क्या मेटल्स हैं। अब देखो आगे की कुछ बात करें कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में मास बताओ CO2 में। सो इन CO2 बताओ मास ऑफ कार्बन कितना रहेगा, एक एटम है कार्बन का, और ऑक्सीजन के कितने हैं, कितने एटम है आप ऑक्सीजन के, बोलो टू, क्योंकि एक कार्बन ये आप देखिए यहाँ पे दो ओ है, तो दो ओ का कितना मास होगा, बाकी इनके मास का यहाँ पर दिया गया है, कितना कितना मास लेना है यहाँ से आगे, ठीक है? जो भी मास बताया जा रहा है, मास की भी टेबल है कि नहीं, मास की टेबल निकालो पीछे, और तो है पेज नंबर 35 पे, तो 35 है ना पेज, तो अब कार्बन का कितना मास है, एक आइटम है तो 12 यू, यू उसकी यूनिट है, जैसे छोटी छोटी है ना कार्बन का, तो 12 यू है, और इसका 22, क्योंकि एक का 16, एक का 16 और दो ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, तो इट इज 16 यू, और 16 यू मिलकर कितना हुआ बोलो, तो फिर इनका रेशो क्या हो गया, व्हाट इज द रेशो, 4 जी का पर 4 इज देन टेस्ट में आएगा। ये अभी चैप्टर ये अभी तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पार्ट पीटी 2 में नहीं है ना आपके में, इससे संडे को नहीं होगा, इसका संडे को इसका नहीं होगा। सर सीधा भी करना, हां सर आपने बोला कि ना सर ऑक्सीजन की वैल्यू सर 2 है, लेकिन सर यहां पे 16 कह रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दो एटम है, और ऑक्सीजन का खुद का वजन क्या है, यानी ऑक्सीजन का मास होता है ना, जैसे जैसे तरबूज का वजन बड़ा होता है, आलू का छोटा होता है, तो ये सबके मास दिए गए, तो हम ये मास का रेशो निकाल रहे हैं, किसका किसका मास, चूंकि टू ऑक्सीजन है तो इसमें टू ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 यू, इस हिसाब से निकाला गया। अब आगे देखो अगले वाली टेबल पे आओ, 3.5 टेबल पर, तो 3.5 टेबल पर अब हम कैल्शियम ऑक्साइड का हमने निकाल लिया है, बताओ मैग्नीशियम सल्फाइड का क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फाइड इसको MgS कहते हैं, तो इसमें मास ऑफ मैग्नीशियम कितना लिखें, 24, और मास ऑफ सल्फर 22, तो कितना हो जाएगा 24U, और अपॉन 32U से कितना हो जाएगा, 6 से तो नहीं होगा, 4 से करो, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, और फिर 2 से करो तो क्या 3:4 आ जाएगा, यस सर। तो ये चीज़ हो गई, तो इस तरीके से अब एक बार फिर से बताओ व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, केमिकल रिएक्शन द एलिमेंट्स आर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, हाँ बोलो सर, वो मैग्नीशियम की सर, हाँ
चेंबर उसका एम जी है। अब इसमें लिखा भी होगा ट्वेल्थ नंबर पे एम जी लिखा है, जब मैं ट्वेल्थ मतलब इधर नंबर पे एम जी और बगल में उसका मास है 24, इधर नंबर है और उधर उसका मास 24 लिखा है कि नहीं, छोटा सा। अब देखो तो ये एलिमेंट जो भी होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास होते हैं, तो किसी भी एलिमेंट में जो भी चीजें हैं ये किसने बताया, जोसेफ डी प्रोस्ट ने बताया। बेटा आपको क्या नाम है? पवन। हाँ कल आपने बताया था पवन। ओके जोसेफ एल प्रोस्ट, जोसेफ एल प्रोस्ट। ओके नाउ नेक्स्ट इज कुछ चीजें हम भाई मेमोरी आपसे पूछेंगे। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास क्या रेशो है? H2O में H और O का बाई मास क्या रेशो है? 1:8। ओके नाउ NH3 में N और H का बाई मास क्या रेशो है? 14:3। बहुत अच्छा बताया। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रेशो है? तो वो 12:32 करोगे ना, जब आपका निकलेगा 12:32 कर लेना तो ठीक। बाकी दो अच्छे बता। वाटर में HRO का क्या रेशो है? पता नहीं क्या हो, जब पूछ रहे तो आप तो सिंपली एक विजिटर की तरह बैठी हो, दूसरी बार में भी पता नहीं, तीसरी बार में पता नहीं, आपकी जवाबदारी बनती है कि नहीं क्लास में बैठी हो तो। तो वाटर में HRO का क्या रेशो है? H कोई 16 बता रही, कुछ भी कहीं भी बोल रही हूँ 1:8। तो जो चीज़ यहाँ पढ़ाई जा रही नहीं समझ में आ रहा है तो पूछे सर हमें H मालूम नहीं होता है क्या होता है, इसे पूछ सकती हूँ। हम तो कभी सर ऐसे मिले नहीं है, हमें मालूम नहीं दिखे। तो वो वाले पार्ट हमने देख ली कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन पता चल गई। अब आगे की बात देखो, इट इज फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। नेक्स्ट इज पहला हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा क्या देख लिया कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद जॉन डाल्टन ने कुछ पॉसिबिलिटीज दिए, क्या पॉसिबिलिटीज दिए कि ना जॉन डाल्टन अपने जमाने के जाने माने केमिस्ट थे, सो ही हैज गिवन सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, लेट अस सी दोस कॉन्सेप्ट्स। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। डाल्टन्स का फिगर भी बना हुआ है देख लो बुक में, थ्योरी दैट इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। ओके ये इन्होंने 32 पेज पे निकालो। सो बाय दिस थ्योरी ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, क्या इन सब चीजों को टुकड़े टुकड़े कर दो तो एक सबसे ऐसी छोटी चीज आएगी जो और नहीं डिवाइड हो सकेगी, उसको एटम कहते हैं ना। सो पहला इनका पोस्टुलेट क्या था? एटम में भी तो होते हैं, वो होते हैं लेकिन उनको तोड़ा नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हाउ एवर दोस कैन नॉट बी सेपरेटेड, वो उसी के अंदर रहते हैं, अट्रैक्शन है ना उनके बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, इस बार जवाब देना 6 के 6 पॉसिबिलिटी, ठीक है कि नहीं, तो दे दोगे तो पेन मिल जाएगा, ध्यान से देना। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स,
नॉट एटम। एटम का मतलब होता है ए प्लस टोमियो, जिस अनकट, जिसे काटा ना जा सके, जिसको और अधिक तोड़ा ना जा सके, उसे एटम कहते हैं। फिर दूसरी बात क्या कही गई है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, क्या उन्हें तोड़ा जा सकता है? बोलो। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसे H2O था, या ये समझो कि दो एटम है H के, तो क्या ये H2 हुआ? बोलो। yes, और ये दो एटम है Cl के, तो ये क्या हुआ? क्या ये Cl2 हुआ? yes, और अगर ये मिल जाएं तो क्या हो, बताओ? HCl। तो इनके मिलने से HCl, इनके पिछले बॉन्ड टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बन जाएंगे, तो क्या होगा? एटम नहीं बनता। जैसे अगर एक कुछ ब्लॉक से आप ट्रेन से बस बना लो, घर बना लो, घर में ब्लॉक होते हैं कि बच्चे खेलते हैं, तो बताओ, तो क्या वो ब्लॉक खत्म हो जाएंगे? धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। बोलो। तो ये देखो, अगर मान लो ये ऐसे टूट गया, तो इनसे क्या बन जाएगा? क्या एक HCl यहाँ बन जाएगा और एक ये बन जाएगा? यस सर। तो H और Cl, और ये क्या बन जाएगा? H Cl, तो दो बन गया कि नहीं मॉलिक्यूल? यस सर। तो 2HCl, तो इस प्रक्रिया में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, हाउ मेनी एटम्स ऑफ H आर एट लेफ्ट हैंड साइड? रिएक्ट हैंड साइड में कितने हैं? 2H एटम है, क्लोरीन के कितने एटम हैं? और उस साइड में H के कितने हैं? 2, और क्लोरीन के भी 2 हैं। सो दैट मींस केमिकल रिएक्शन इज ओनली ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, या ब्रेक हो रहे हैं और वहाँ मेक हो रहा है, एंड देयर इज नो एटम, इज न्यू एटम इज क्रिएटेड और ओल्ड एटम इज डिस्ट्रॉयड। क्या कुछ टूट गया? ब्लॉक से घर बना लो, ट्रेन बना लो, कुछ टूट जाते हैं क्या? ब्लॉक, बस इट इज ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, कुछ टूटता नहीं है। तो इसलिए सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम्स आर इंडिविजुअल, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, और विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, विच क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना? इतनी बात समझ आ गई। अब हम थर्ड पॉसिबिलिटी देखें, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा एटम लो, सो देखिए आप लिथियम मेटल ही ले लो, तीसरे नंबर का है लिथियम, तो लिथियम में सारे का लिथियम के एटम होंगे क्या? तो लिथियम मान लीजिए आपने ले लिया, इसमें लिथियम ले लिया, तो क्या सब में सबका मास एक जैसा होगा? लिथियम का मास कितना होता है बताओ? देखो एल आई या 3 होता है या 7 होता है, तो सबका क्या 7U होगा? यस सर। लिथियम तो किसी के या HH एटम लो तो सबका 1U होगा। यस सर। इस तरीके से होंगे, ठीक है ना? टोटल शिवम कितने तरीके के एटम है? देखो 118 हमने बताया, आप जितना कहोगे हम मान लेंगे। एक एटम, दो एटम, जैसे अल्फाबेट नहीं होते इंग्लिश के, उसी तरीके से दुनिया में अगर देखोगे तो 118 तरीके की ही बॉल दिखेंगी, इससे ज्यादा कहीं नहीं। और उनसे मिला के चाहे आप जो भी बना लो, घर बना लो, और होगी तो होगी, लेकिन यहीं तक लास्ट वाले जो येलो है सब अनस्टेबल है। एक तो इतना है कि 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से तक अनस्टेबल है, उतनी 1 सेकंड होता है टिक, उसके 10th लाख सेकंड तक में वो खत्म हो जाता है, उतनी देर में जो जान सको तो जान। तो ये चीजें येलो वाले से वन स्टेबल है। तो टोटल कितने तरीके के एटम है? 118। तो टोटल कितने तरीके के एलिमेंट है? 100। क्योंकि
एक ही तरीके के एटम से मिल गई तो एलिमेंट बनता। अब लिथियम का एक ग्रुप ले लिया, ये लिथियम है सारे, तो इस लिथियम में लिथियम एलिमेंट हो गया। और क्या लिथियम एलिमेंट में लिथियम के एटम होंगे? होगा कि नहीं? जो जो एलिमेंट लोग अभी जैसे आपने कहा क्या ये एल्यूमिनियम का है सर, क्या इसमें सब एल्यूमिनियम के एटम है, तो हमने कहा हाँ। पूछा कि नहीं? फिर उन्होंने पूछा कार्तिक ने सर क्या ये आयरन का है, क्या इसमें सभी आयरन के एटम है, तो यस इट इज कॉपर। अगर कॉपर कोई होगा तो उसमें किस तरीके के एटम होंगे? देयर इज ऑन ऑफ कॉपर, अगर इसमें यहां कॉपर रखा हुआ हो तो मेटल नहीं है, वो तो कॉपर सल्फेट है, एटी की मेटल का इसमें से एक शामिल। जो भी मेटल के हैं तो किसी भी मेटल का होगा तो उसमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेटल होंगे। समझ में आ गई बात आपको? अब देखो कि ओके सो अब देखिए कि किसी भी चीज में एक ही तरीके का, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, क्या ये जो लिथियम एलिमेंट है इसके सारे एटम आइडेंटिकल है और उसका सबका मास भी सेम था क्या? सो एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट क्या लिथियम एलिमेंट है? और उसके जितने भी एटम है क्या उनका आइडेंटिकल इन मास है? आर दे आइडेंटिकल इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज? उनकी प्रॉपर्टी भी सेम है, जब मास सेम है सब कुछ सेम है तो एक जैसे। सो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इतनी बात समझ आ गई? एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लिया जाए तो उसके 1U क्योंकि उसका मास 1 ही होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसा तो नहीं समझ रहे? ये सही समझ रहे हैं? हाँ डिफरेंट हो, उन्होंने जान लिया डाल्टन को ना? उन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनके एटम भी डिफरेंट होंगे, उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, इन्होंने बता दिया। भाई एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट तो सेम ही है, तो क्या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी सेम होंगे? सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो ये चीज हो गया, have different masses, atoms of ठीक है different elements yeah, have different masses, सबके मास अलग अलग है, और साथ में क्या है, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी? सबका अलग अलग कलर होता है, सबका सब कुछ अलग अलग है, तो सब अलग ही अलग तो है। कॉपर रेड ब्राउन है, गोल्ड येलो है, सबका अलग अलग प्रॉपर्टी है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, नाउ एटम कंबाइंड इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि अगर एटम कंबाइन कर जाए तो स्मॉल होल नंबर में कंबाइन कर जाए, ये 2:1 तो क्या बन जाए, क्या H2O? कहीं ये कट कट के तो नहीं कंबाइन किए हैं, 2:1 ही में हुए ना? यस सर। एटम कंबाइन इन ए सिंपल रेशो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि CO2 में आपने ये देख लिया हो कि C और O का जो रेशो है वो कितने का है, 1:2 है ना बाई एटम? यस सर। या बाई नंबर, नंबर ऑफ एटम्स, तो ये रेशो है। क्या ये भी सिंपल होल नंबर रेशो है? yes. क्या NH3 में भी N और S का सिंपल होल नंबर रेशो है? जरा चेक करें इन NH3, तो बताओ N और S का क्या रेशो है नंबर का हिसाब से? बाई नंबर, नंबर के हिसाब से पूछा जा रहा है, बाई एटम, बाई मास नहीं। एक एटम इसका तो 3 एटम
अगला पॉस्टुलेट नंबर के लिए, समझ आई बात की नहीं, फिर उसके अगला वाला, फिर आपकी बात आ जाएगी। अभी अगला वाला जो फिफ्थ है वो बाई नंबर है। सो एटम्स मैं क्या लिखूं, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर्स, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ होल नंबर, होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, टू फॉर्म कंपाउंड्स। देखो होल नंबर रेशियो में कंबाइन किया, 1:3.5 तो नहीं था ना कि काट के बनाओ। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, फिक्स्ड रेशियो नहीं, सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड 6। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। जैसे ये देखो C6H12O6 ग्लूकोज होता है, तो इनके कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशो है बताओ? बोलो है सही, 6 से डिवाइड कर दो, सिंपल रेशो निकालो। वैसे तो ये भी लिखा जा सकता था 6:12:6, लेकिन मैं अगर 6 से डिवाइड कर दूं तो सिंपल रेशो आ जाएगा। तो क्या इनकी जो रिलेटिव नंबर है कि किसके कितने एटम्स हैं, क्या वो फिक्स्ड है? होल नंबर 2 के बाद क्या है? होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, वो कंपाउंड बना रहे हैं। ये चीज इसे क्या कहते हो, एनएच3 को कंपाउंड, जिसमें अलग अलग तरीके के एटम पाए जाए, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हो? कंपाउंड। तो क्या ये H2O भी कंपाउंड है? Yes, sir. तो क्या HCl भी कंपाउंड है? Yes, sir. क्या H2 भी कंपाउंड है? Yes, sir. No, sir, ये नहीं है। जब एक तरीके के एटम पाए जाएं तो एलिमेंट, ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और अलग अलग तरीके के पाए जाए तो कंपाउंड, फिक्स्ड रेशो पा जाएंगे। सही बात। अच्छा अब बताओ अगली बात कह रही है, कहा जा रहा है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, क्या इनमें जो रिलेटिव नंबर है और जो एटम है काइंड ऑफ एटम, कोई कह दे कि ग्लूकोज में तो हम एन भी लगा सकते हैं, तुम तो झूठ बोल रही हो, तो तुम उसकी बात मान जाओगे क्या? ग्लूकोज में एन भी आ जाएगा? कोई कहते हम तो ऐसा ग्लूकोज लाएं जिसमें नाइट्रोजन भी होता है या फास्फोरस, तो माना जा सकता है ग्लूकोज यही होगा। क्या उसमें काइंड ऑफ एटम फिक्स्ड होंगे? क्या उनके रिलेटिव नंबर भी फिक्स्ड होंगे? कुछ भी बदला नहीं जा सकता। कोई कहते मैं तो नाइट्रोजन लगा दूंगा, मैं तो इसमें आयरन लगा दूंगा, तो रिलेटिव नंबर का मतलब इनमें कि कितने कितने एटम किस किस रेशो में, उसका कहते हैं आपस में रिलेटिव मास क्या है, जैसे ये भी कहा जा सकता है, लेकिन रिलेटिव नंबर ये। और काइंड ऑफ एटम, क्या ये बदल सकते हैं ग्लूकोज में? कोई नाइट्रोजन लगा देगा क्या? वाटर में कोई कह देगा तुम तो H2O से वाटर बनाते हो, मैं तो C2O से भी बना सकता हूँ, तो बात मानी जाएगी क्या उसकी? नहीं बना सकता। तो ना नंबर बदला जा सकता है उनके, और ना काइंड ऑफ एटम, कुछ भी नहीं बदला जा सकता। तो द रिलेटिव नंबर एंड, और दूसरी बात एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन गिवन कंपाउंड, आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन। तो नंबर बदला जा सकता है ना काइंड ऑफ एटम, ये 6 चीजें हैं। इसको अभी हम करवाएंगे, पहले आपसे बुलवा लेते हैं एक बार। अनुराग बोलो पहले 3। सर द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, एटम इज आइडेंटिकल पार्टिकल्स व्हिच इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। The chemical, the atoms of a definite particle matter are same by mass and atoms of a given element. Matter ना बोलो, matter में तो compound भी आ जाएगा, given element. Matter तो ये भी है, ये सब matter है, matter ना बोलो, given element. Element are identical in mass and chemical properties. Fourth property. एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट
इज इट डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज फिफ्थ बोलो एटम्स आर मेड अप ऑफ एटम्स कंबाइन एटम्स कंबाइन इन अ होल सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड ठीक है सिक्स्थ बोलिए सिक्स्थ बोलो बोलो पहला बोलो इनडिविजिबल अविभाज्य है उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता इनविजिबल का मतलब तो दिखाई नहीं देते डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड अब यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज मत बताओ कुछ भी नहीं हाँ इन्हें केमिकल रिएक्शन दे सकते फोर्थ बोलो फोर्थ बोलो शिवम बताइए फोर्थ सर एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी फिफ्थ बताओ एटम्स कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर एटम्स बोलो फिर एटम्स कंबाइन इन प्लेस ऑफ होल नंबर सिंपल होल नंबर सिंपल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड बोलो इन्हें रेशो ऑफ होल नंबर ना बुक में क्या लिखा है इस रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर लिखो स्मॉल होल नंबर सर किसमें इस रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर सो दे कंबाइन इन स्मॉल बहुत बड़े बड़े नहीं कठिन कठिन नहीं कि 1000 1000 इतनी दो चार के रेशो सो एटम कंबाइन इन ए स्मॉल होल नंबर रेशो बोलो फिर पॉइंट ऐसे कैसे बता दोगे जो होगा वही तो बताओ बोलो एटम्स कंबाइन इन ए सिंपल होल नंबर स्मॉल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड सिक्स बोलो नहीं बोलने की आदत मत डालो ट्राई करो फिर हमें करेक्ट करेंगे ऐसे तो आप प्लेटफॉर्म ही छोड़ देती हो अपना एक हमें जो देना चाहिए फोरम वही नहीं दे रही हो बोलो सिक्स सर द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड ये बात हो गई सो यहां तक हमने देख लिया कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम एक बार देख लो इसको पढ़ने से पहले हम लिखवाएंगे जिसका ठीक होगा फिर उसका प्राइज है वो भी मिल जाएगा उसका भी मिल जाएगा एक साथ मिल जाएगा प्रॉपर्टीज अलग चीज होती है ना किसी चीज की खाने में टेस्ट में कैसा है उसकी महक कैसी है ये सब प्रॉपर्टीज होती है ना जैसे हमने हमारी बॉडी में खाना खाते हैं तो रिएक्ट करता है एनर्जी देता है ग्लूकोज को रिएक्शन
बंद कर। जैसे लिखना लिखिए आपको, जैसा सीक्वेंस हो तो बेहतर है। बात हो गई, अब हम देखते हैं इंडेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर टू। पेज नंबर 32 पर क्वेश्चन नंबर टू देखिए। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। सो ये बताया गया है कि जो वाटर बनता है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? एटम्स का कितना मास होता है? 1:8 रेशो है, सिंपल रेशो। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस? कह रहा है यदि हाइड्रोजन 3 ग्राम ले लिया जाए तो ये कितना हो? सो गिवन क्या है बताओ, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया? इट इज इक्वल टू 3 ग्राम। तो मैं हाइड्रोजन की जगह पे क्या लिख दूं? क्या 3 ग्राम लिख दूं? और मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा जा रहा है, और इनका रेशो क्या होता है? क्या ये हमेशा फिक्स्ड होता है वाटर? क्या वो नहीं बदलता? चाहे सागर का पानी हो, झील का पानी हो, रिवर का वाटर हो, लेक हो, कुछ भी हो, वो बदलेगा नहीं, वो 1:8 ही रहेगा। तो अगर ये 3 ग्राम लिया जाए तो ये कितना लगेगा? अब इसके लिए इसको क्या लिखो भाई, ये चीज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी कि नहीं नीचे की? और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब कोई भी चीज नीचे की होती है तो दूसरी तरफ ऊपर चली जाती है, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 24 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन। फॉर 24 ग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 ग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जरा आगे देखो कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कौन सा रिजेंबल करता है? ऐसा कोई पोस्टुलेट है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन नो एटम इज क्रिएटेड नॉट, ऐसा है कुछ? वो कौन सा? तो इसका मतलब है कि मास न तो डिस्ट्रॉय हो सकता है न क्रिएट हो सकता है। सो ये कहा जा सकता है सेकंड पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब है उन्होंने उसके लिए कोई प्रूफ नहीं दिया है, ठीक है? सो उन्होंने उसके लिए कोई प्रूफ नहीं दिया है बस, ठीक है? अब देखो कि
सो सेकंड पॉस्टुलेट जो बस मान लिया जाए प्रूफ विदाउट प्रूफ जो दिया जाए सेकंड पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिजेंबल सिर्फ किससे रिजेंबल करती है क्या रिजेंबल्स विद बीच में बैठा करो तो थोड़ा तो किनारे बैठ के मुझे लगता कहीं उधर से रिफ्लेक्शन तो नहीं आता उधर नहीं सेकंड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिजेंबल्स विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पॉस्टुलेट का मतलब है कि एनी एजम्पशन जिस चीज को बस मान लिया जाए और उसके लिए कोई प्रूफ ना दिया जाए क्या ये क्वेश्चन ना कभी भी अगर आपका ये बताओ कि मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है अमोनिया में क्या 14:3 होता है अगर कोई कह दे मेरे पास तो बहुत सारी अमोनिया है और मेरे पास मास ऑफ नाइट्रोजन जो है 50 ग्राम है तो बताओ मेरे पास कितना हाइड्रोजन है उस अमोनिया में सैंपल एक छोटा सा सैंपल है या बड़ा हो रेशो तो नहीं बदलेंगे ना 14:3 का चाहिए हो तो ये कह रहा है कि मेरे पास ये 50 ग्राम है तो ये कितना है तो मास ऑफ हाइड्रोजन लिखे यहाँ पे एक मिनट शिवम तो इसको इधर ले जाओ 50 ग्राम × 3 इज 14 × मास ऑफ हाइड्रोजन तो फिर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा क्या वो 50 ग्राम × 3/14 नहीं हो जाएगा सो इट इज 150/14 ग्राम इट इज मास ऑफ हाइड्रोजन और इसको और कट कर लो 17.857142 ठीक है सो 75/7 आ जाएगा अब जैसा वो कह रहे हैं 75/7 ग्राम और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो बोलो अनुराग समझ में आ गया यस सर आ गया ऐसे ही करना है क्योंकि वो रेशो तो सेम है ना रेशो से तो कुछ भी निकाला जा सकता है कल आपने नहीं देखा था कि 3:5 रेशो था एंगल का तो एंगल तो कुछ और निकल के आए थे क्योंकि उसमें x की वैल्यू कितनी थी 36 थी क्या कल के सवाल में तो वो तो अलग निकल के आएगा तो रेशो ही थोड़ी ना होगा कुछ वो तो वैल्यू तो अलग होगी ना रिजेंबल्स विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन सा पॉस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कवर करता है अगर डाल्टन्स लॉ पहले आ गया होता तो ये ना तो प्राउस्ट की उसकी जरूरत पड़ती और ना इसके अलावा लेवाशिए का लॉ चाहिए होता क्योंकि इसमें वो कवर हो गए फोर्थ पॉइंट देखो जरा फोर्थ क्या कह रहा है कि पॉस्टुलेट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कौन सा ऐसा लॉ है कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स दैट इज आई थिंक इट इज सिक्स्थ पॉस्टुलेट यस यस है ना तो सिक्स्थ पॉस्टुलेट क्योंकि ना तो नंबर बदलेगा ना तो डेफिनेट प्रोपोर्शन है उनका प्रोपोर्शन डेफिनेट रहेगा सो फोर्थ क्वेश्चन देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा पॉस्टुलेट है सो सिक्स्थ पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन फिर से समझो एटॉमिक थ्योरी रिजेंबल्स विद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या मैं ये भी बताऊं थर्ड वाला बोलो वो समझ में आ गया क्योंकि उसको ये बताया कि एटम ना तो नष्ट होते हैं ना उनका सृजन होता है ये समझो क्या यहाँ पर जब चीजें फिक्स हैं C6H12O6 में तो C और H और O क्या इनका डेफिनेट रेशो है
तो उनके रिलेटिव नंबर और रिलेटिव काइंड ही अगर नहीं बदल रहा है तो क्या उनका रिलेटिव मास जिसमें वो कंबाइन कर रहे हैं क्या वो बदल जाएगा? वो भी नहीं बदलेगा, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन हुआ कि नहीं? भले ही इसमें मास ना दिया हो, मास तो नहीं दिया है, लेकिन क्या इनका रिलेटिव नंबर बदल रहा है ग्लूकोज में? अब अगर रिलेटिव नंबर नहीं बदल रहा है तो सबको सबका एटॉमिक मास पता ही है, ना तो उनका रिलेटिव नंबर बदल रहा है ना काइंड ऑफ एटम, कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो क्या इससे तुम पता नहीं लगा सकोगी कि किस किस रेशो में है? बताओ कार्बन किस कितने ग्राम का होता है, हाइड्रोजन कितने ग्राम का होता है, ऑक्सीजन कितने ग्राम का होता है, क्या उनके डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास का पता नहीं लगा सकोगी? यहाँ 1:2 नहीं कर दोगे क्योंकि H2 है, बोलो दो H है कि नहीं? ये से निकालो नहीं तो C6 का करो, 6 का कितना हुआ क्या 72? फिर से समझो, एक कार्बन का मास क्या 12 ही हो, तो 6 का कितना हुआ 72 ही हो, बोलो 6 है कि नहीं? तो इसके लिए क्या लिखोगी कि 72 U, एक हाइड्रोजन का मास कितना हुआ 1U, तो 12 हाइड्रोजन का मास कितना हुआ, एक हाइड्रोजन का मास कितना, एक हाइड्रोजन का मास 32, ये ठीक बता रहे हैं, एक हाइड्रोजन का मास 1U है ना, उनका भी कहना ठीक ही था कि 1U तो 12 पर 12U है, एक ऑक्सीजन का मास, बोलो ऑक्सीजन का मास थोड़ा फर्क था, तो 16 × 6 क्या हुआ 96U, और इन सभी में अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं या कोई भी ऐसा नंबर जो कॉमन हो तो क्या यही आ जाएगा 12:2:16 है, और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसे तो क्या 6:1:8, क्या इसमें भी वही चीज आ जाएगी अगर 12 से डिवाइड करो तो 12:6 / 12:1 / 12:8 आ गया कि नहीं? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बन गया कि नहीं? बोलो बोलो सिंपल रेशो सही जिससे सब में डिवाइड हो जाए तो करोगी ना सर? वो मास कैसे निकाला आपने? मास जैसे ये कोई बता दे आपको कि वाटर में 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है तो फिर आप क्या उनका मास निकाल लोगे? तो बोलोगे ठीक है 2 ऑक्सीजन है तो 2U और डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का 16 तो 2/16 1/8 आ जाए। अगर नंबर कोई बता दे, अगर सिर्फ कोई कहे अमोनिया का निकालो तो निकाल पाओगे, और लेकिन अगर NH3 बोल दे तो निकाल लो क्योंकि N का 14 और 3 है, तो अगर कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय नंबर दे दे तब तो निकाला ही जा सकता है। तो क्या ये वाला पोस्टुलेट उसको कवर नहीं करता है? कर रहा है ना? सो दिस पोस्टुलेट कवर अपॉन है वैल्यू किसका मास है एक है ट्वेल्व यू इंटू सिक्स छ है और 1U इंटू 12 यहाँ पे ये ना मतलब 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिले तब ग्लूकोज बने, इन सबके असेंबलिंग से ग्लूकोज बनता है। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला, उसमें ये कैसे बने हुए हैं वो सब ऐसे दिखाने के लिए, दिखाने में तो जरा मुश्किल होगा क्योंकि सारे एटम इतने सारे एटम को अरेंज करके दिखाएंगे तो मुश्किल नहीं हो जाएगी, तो वो थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में है इसलिए भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब एटम मिले यू मास होता है। अब 1H का मास 1U तो 12H का मास कितना हुआ, 1C का मास कितना, तो 6 का 1O का तो 6 का सब लिखा हुआ है, जब से डिवाइड करोगे यही आएगा। बोलो समझ में आ गई बात कि अगर डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय नंबर दिया है तो क्या मास नहीं निकाल सकोगे? सिंपली भी निकाला जा सकता है, मैंने वही नंबर रख दिया तब भी वही आया, ये रखने से भी क्या वही आएगा, है ना? ओके ठीक इसी में C6H10O5 टू द पावर n 4 टू द पावर
डायरेक्ट ऐसे यही लिखना, ये सब नहीं लिखना है, वो तो माही ने पूछा तो मैंने बताया, ये थोड़ी ना लिखना है सब। आगे बढ़े, क्वेश्चन में आई है सेकंड क्वेश्चन, तो 11 ग्राम 3 ग्राम कार्बन है। और सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइजेस, और वो ऑक्सीजन में बर्न करता है तो CO2 बनता है, तो ये 3 ग्राम लिया और ये कितना लिया, और ये कंप्लीटली बर्न हो गया। तो इसमें CO2 में, वैसे भी CO2 में आपको रेशो पता है, यहाँ जरा देख के बताओ कि मास ऑफ कार्बन जो भी बताएंगे हमको वो लिख देंगे। कार्बन का कितना मास है बोलो, मास बताओ कार्बन का, कार्बन एटम का कितना मास है, नहीं तो टेबल देख लो सबका, हाइड्रोजन ही का बताओगे क्या, पहला एलिमेंट है कार्बन, जो भी आपको बताना है व्यू है ना, नहीं तो उसमें देख लो कि जो कार्बन है वो कहाँ पे है, तो और ऑक्सीजन का, दो ऑक्सीजन है, दो है 32 हुआ, तो 32U, तो इनको U से U काटो, 4 से काटो तो कितना बनेगा, 3:8। ये करने की जरूरत नहीं, ये हमने समझाया, वरना ये अगर कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है तो CO2 में क्या रेशो हुआ, 3:8 ही तो हुआ। तो ये चीज हम नहीं करेंगे, ये आपको सिखाने के लिए किया गया कि ये फिक्स रेशो है, क्योंकि लॉ है तो फिक्स होगा ही, फिर भी वो भी आपसे ये करवाना नहीं चाहता, वो सिंपली क्या कह रहा है कि अगर ये फिक्स रेशो में करते हैं तो 3:8 हुआ। अच्छा अब ये बताओ कि, और ये 11 ग्राम बन रहा है, इसमें लॉग 15 ऑफ मास लग गया, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्मड, अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन 50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया जाए तो क्या बनेगा, 11 ग्राम ऑफ CO2। हाँ, सो कह रहा है क्या क्या दिया गया है, क्या 3 ग्राम कार्बन दिया गया है और 50 ग्राम क्या दिया, CO2 लिखा गया। अच्छा अब बताओ 3 ग्राम कोयला दिया गया, कोल, वो कार्बन क्या होता है, कोल, क्या इतना छोटा सा कोयले का टुकड़ा ले लोगे वो पूरे संसार की ऑक्सीजन जला देगा क्या, वो यहीं की जला पाएगा, तो वो इतना सारा ऑक्सीजन लेके भी वो रखी रह जाएगी, क्योंकि जिसको जितने से रिएक्ट करना है उतना ही तो रिएक्ट होगा भाई, कार्बन फिक्स अमाउंट से करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर पानी बनाना है तो जितने जितने एटम जिसके चाहिए उतने ही तो होंगे, कि ज्यादा हाइड्रोजन तो कह रहे ना ज्यादा है तो ज्यादा ले लें, स्त्री को बना लें, ऐसा कर लेगा क्या, नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर ये है, तो मास ऑफ कार्बन की जगह क्या रखें बताइए, 3 ग्राम, और मास ऑफ ऑक्सीजन हमें पता नहीं है, और इनका रेशो तो फिक्स है ना बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये किसकी वजह से है बताइए, ऑक्सीजन का तो है ना, ठीक
क्या है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि 3 ग्राम कोयला लिए तो क्या पूरे संसार की ऑक्सीजन जला देगा, 50 ग्राम जगह डालेगा, यहाँ तो 1 जला रहा था, अब अगली बार पे 50 जला देगा, वो रेशो दे रहा है। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, उससे ये होता है कि फिक्स रेशो है, 3:8 का रेशो, तो उसी से ही वही रिएक्शन में रिएक्ट रिएक्ट करेगा। अभी जरा इनका मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हुआ, 3 मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या आ गया, बाई 3 का 3 से 3 कट गया तो 8 ग्राम आ गया क्या, बोलो हम ये ना भी करते हो सिंपली लिख दें कि बाई लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन 3 ग्राम विल रिएक्ट विद 8 ग्राम एंड रेस्ट ऑफ द O2 विल बी लेफ्ट, सीधी बात जितना जितने से करेगा उतना ही तो करेगा, ये सब कुछ ना लिखते सिर्फ क्या लिख देते उसको देख करके, बाई लॉ ऑफ यहाँ लिखा तो है ना, ऊपर लिखा नहीं है क्या, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन 3 ग्राम कार्बन विल रिएक्ट, O2 भी लिख सकते हैं लेकिन यह एलिमेंटल के तौर पर लिखना ज्यादा है ना, रिएक्ट विद, यहां जो हमने कार्बन लिखा विद 8 ग्राम ऑक्सीजन, और फिर कितनी ऑक्सीजन बच जाएगी बताओ, 42 देखो बहुत अच्छा बताया है, एंड 50 - 8 ग्राम 42 ग्राम ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट, अनरिएक्टेड। अच्छा एक बात बताओ कि मैंने H2 लिया और O2 लिया और H2O बना दिया, ये ठीक है, तो मैंने ये 2 लिया, 2 क्यों लिया, क्योंकि बैलेंस करना था, बैलेंसिंग का मतलब है यहाँ पर 4 O हैं और H2O के 2 सेट हैं, तो क्या H2O में भी 4 O हो जाएंगे, बोलो yes, और यहाँ H2 दो ले लो तो बिल्कुल एटम बराबर है yes, और एक ओ तो वो बोल दे कि भाई तोड़ के हम यहाँ बनाने में H2 इसलिए लिया ना, क्योंकि जब O 2 टूटेंगे तो हर एक ओ को 2H चाहिए yes, और यहाँ पे 2 O है yes, तो एक H2 में काम चला लोगे, दूसरे से कहोगे क्या भाग जाओ, 2 O है ना यहाँ yes, तो 2 के लिए फिर दोनों कहेंगे हमें H चाहिए, क्योंकि एक ओ क्या करता है, एक H यहाँ से जुड़ेगा और एक H यहाँ से, तो दोनों को चाहिए, तो उनके लिए पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी कि नहीं yes। अच्छा ये बात है, लास्ट वर्ड अनरिएक्टेड इतने ग्राम। अब जरा देखो कि यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ देखो इसका कितना मास होगा, जरा टोटल करके बताओ, क्या इसका मास होगा, क्योंकि 4H है, चेक कर लो yes, sir, 4 एक H2 में ही 2 हो जाते हैं, अब 2 सेट ले लिए, एक H2 में H और H 2 हुए कि नहीं, अब एक H का मास 1U, तो 2H का मास 2U, H2 का मास 2U हुआ कि नहीं, तो ये लिखो 4U इसका मास है, और इसका मास आप तो सब कुछ बनी ही बताती हो, कार्बन बहुत आसान है आपके लिए, मतलब थोड़ा अच्छा बता देती हो सबको, ठीक है, समझना नहीं है आपको, टेबल देख के बताना है, उसमें भी बनी की मसल दिखा देगी, टेबल है आपके सब सब एटम का मास है ना, आपसे यही तो कहते हैं कि एटम टेबल से देख के बताओ मास, तो नहीं बता रहे, समझ समझ के बताना, क्या समझाया अगले पेज पे गया तो हम भी समझाएंगे, एक पेज बड़ा समझाया ना अभी, फिर उसी से बोलो ना, तो O2 का कितना बताओगी, एक O का 16 तो 2 का कितना हुआ, 32 कितना करते हैं, यही चीज अगर बहुत ज्यादा ले लो तो ये ग्राम में भी रहेगा, रेशो तो सेम रहेगा ना, सही दोनों में से कोई भी कर दे हैं, सही दोनों में से नहीं, अब ये तो बताया गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, यही है ये, और मैं इतना लिख लो बस, यस सर, और यही है, ये चीज तो मैंने यहाँ बताई, 1 ग्राम है फिर भी ये लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लिखना ही पड़ेगा, ये ना लिखो तब भी इतने से भी बात होगी, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन से, सो उसने पूछा है कि विच लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन विल गवर्न, तो इससे क्या पता चलता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट, यही प्रपोर्शन है, मैंने समझाया है, यहाँ देखो तो 4 ग्राम अगर लोगे तो कितने से करेगा,
रेशो तो वही रहेगा। तो क्या ये 32 ग्राम से कट जाएगा? टेक मत लगाइए बेटा, क्योंकि हम अभी गद्दे तक क्या ले आएंगे, आप ये टेक क्यों लगाते हो चीन पे? आपके लिए सोने का इंतजाम अभी करने वाले मालूम है। अच्छा, नहीं टेक नहीं लगाना चीन पे, क्या 4 ग्राम पर एफिशिएंसी हाफ हो जाती है। अगर ये 4 ग्राम लिया तो ये 32 ग्राम, ये 4 केजी लोगे तो कितना होगा? 32 केजी, रेशो तो वही रहेगा। अच्छा, दिस इज द रेशो। मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसे 4 ग्राम लूं और इसको 40 ग्राम लूं, तो शिवम कितने ग्राम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन अनरिएक्टेड बचेगी? एट ग्राम ना, क्योंकि ये 32 सही रिएक्ट करेगा, बाकी जो भी वो अनरिएक्टेड हो जाए, ये भी बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है कि नहीं? 4 ग्राम हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड और कितनी बच जाएगी? 40 माइनस 32 एट ग्राम, एक मिनट, विल रिमेन अनरिएक्टेड। हाँ बोलिए, ये ना फोर जी है, 4 ग्राम, ये भी 4 जी है, 4 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहेगी? तो 40 से तो नहीं करेगी ना, तो जितने से भी कर जाएगी 32 से करेगी। अगर 4 ग्राम ने 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो वाटर कितने ग्राम बना? 4 ग्राम हाइड्रोजन ने 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कितना वाटर बना? जोड़ोगे नहीं, मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ टोटल, कितना बना? तो यहाँ यू में यू लिख देना और ग्राम में कितना लिख दोगे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की ये चीज है कि ये फर्स्ट लॉ है, दैट इज लेव आशिए का, ठीक है, समझ आई बात? देखो क्या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है? जब यू यू को जोड़ोगी तो यू आएगा, किलो किलो को जोड़ोगी तो किलो आएगा, ग्राम ग्राम को जोड़ोगी तो ग्राम आएगा, इन दोनों को मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये वाला ना, तो यू है ना, यू लिखा है, 36 समझ में आई बात? सर इसका ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, हां समझ में आ गया ना? सर 36 भी लिया है, इसका मतलब है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये कौन सा लॉ है? सेकंड नहीं है, ये है एंटोनी लेवाशिए का कि नो एटम इज क्रिएटेड, नो एटम इज डिस्ट्रॉयड, इट इज मेरिली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तो जितना मास इसका है उतना इसका होगा। तो ये कौन सा लॉ हुआ? फर्स्ट हुआ कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे लगा रहे हैं कि कितना बचा, ये कौन सा लॉ हुआ? कि जितने से करना है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन है, उससे ज्यादा से नहीं करेगा। दोनों समझ में आ गई बात? नहीं है क्या? नहीं समझ में आएगा? देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बताओ और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बताओ, क्या मास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है? ये कौन सा लॉ? उससे हुआ कि नहीं? नो एटम इज क्रिएटेड नाइदर एटम, नो एटम इज क्रिएटेड नाइदर एटम इज डिस्ट्रॉयड, है बात कि नहीं? और ये कौन सा लॉ है कि डेफिनेट से ही करेगा, ज्यादा से नहीं करेगा? 40 से तो नहीं किया ना इसने, तो इसने इससे किया तो 32 से कट जाएगा, बाकी बच गया, तो ये कौन सा लॉ है बताओ? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जितने से कट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये चीज नहीं बताई आपको? जितने से करना होएगा उतने से ही करेगा कि नहीं? क्या 3 ग्राम या 8 से कर रहा है तो कभी कभी 3/10 से भी कर जाएगा क्या? नहीं कर सकता ना, डेफिनेट रेशो होगा कि नहीं? H2O बनना है तो H2O बनेगा, H3O तो कभी भी नहीं बनेगा। ओके, इज इट क्लियर?
चलो अब हम आगे की बात करते हैं कि नेक्स्ट इज आप एक व्हाट्सएप नंबर दो तो फिर मैं इन सबके पीडीएफ आपके भेज दूँ। आपका कौन जो नंबर व्हाट्सएप में है ना, है ना? कौन सा जो कल दिया था व्हाट्सएप आता है उसको नहीं तो दूसरा नंबर आप दे देना, उसी में लिख दो जो भी हमारे मैसेज होंगे, जो आज की क्लास का रिकॉर्डिंग है वो सब आपके में पहुँच जाएगा यूट्यूब से, उसमें नहीं मिलेगा। छू सकते हो जिसमें स्पेस है, मैटर, एनी मैटर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू वेरी टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहेंगे जिसके आगे विच कैन नॉट फर्दर बी डिवाइडेड। हाँ, सो एनी मैटर कैन बी सब डिवाइडेड, सब डिवाइडर भी लिख सकते हो या ब्रोकन डाउन इनटू, नहीं तोड़ा जा सकता है, कैन बी सब डिवाइडर, इसको तोड़ लो, इस बोतल को टुकड़े टुकड़े कर लो, तो तोड़ने के बाद बहुत छोटे छोटे पार्टिकल बन जाएंगे, सब डिवाइडेड इनटू वेरी टाइनी पार्टिकल्स
बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्लड विच कैन नॉट फर्दर बी डिवाइडेड, फिर उन्हें तोड़ा जा सकेगा? नो सर. विच कैन नॉट फर्दर बी डिवाइडेड, इट इज कॉल्ड एट, इट इज कॉल्ड. नाउ लेट अस सी एटम की और डेफिनेशंस क्या क्या हैं. सो ये भी हो सकती है. एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एन एलिमेंट दैट कैन. एन एटम इज द smallest particle of any matter which cannot further be divided, इसे फिर तोड़ा नहीं जा सकता, further एक ही बात किसी भी मैटर पर ग्रामर का फर्क है. Atoms cannot be seen. These are very very small in size and cannot be seen with naked eye. आँखों से नहीं देख सकते इतने छोटे हैं. एक पिन में ही 10,00,000 एटम होंगे. शार्प पिन के कितने? These are very very small in size and cannot be seen. With naked eye, there are 118 types of atoms discovered. और इनका साइज कितना होता है? Its size is 10^-9 meter. या इसे 1 nanometer भी कहते हैं. 1 nanometer. जो कि बहुत छोटा है. 1/10^9 करो डेसिमल क्या के 90 लग जाएंगे. यस. तो 1 नैनोमीटर है. इट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. ये चीज है. देयर आर बट का तो डिफरेंट साइज होता है ना. हां और फिर बढ़ता चला जाएगा. तो ये इसका एक तरीका सबसे स्मॉलेस्ट है. सो अब ये देखो देयर आर टोटल 118 टाइप्स ऑफ एटम्स. हाइड्रोजन का सबसे स्मॉल. हां देयर आर कितने एटम्स होते हैं बताओ. 118 टाइप्स ऑफ एटम्स. ओके एंड हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉल हैज स्मॉलेस्ट रेडियस. हाइड्रोजन एटम हैज उसका क्या है स्मॉलेस्ट रेडियस सबसे छोटा वही है. सो वेरी वेरी दो है. अब उसका साइज और भी छोटा है. वेरी वेरी है. इट्स साइज इज 10^-9 यानी और छोटा 0.0376 इससे भी छोटा जितना दिखाया गया ना. ये तो 1 nanometer है. 1 में भी और छोटा करो तो कितना आएगा? काफी छोटा ना ये. 1 में करीब करीब जितने का भी डिवाइड करो 300 का करोगे तब जाके आएगा, है ना? सो इट इज वेरी स्मॉल. इतना ही डबी सबसे छोटा ये होता है. बाकी और भी देखा जा सकेगा. कल का जो आपका कल भी है ना कोऑर्डिनेटर होगा कितना पहुंचा कोऑर्डिनेटर आपको कोऑर्डिनेटर.